किचन। आज मैं आपको मॉड्यूलर किचन के बारे में 3 पॉइंट्स के बारे में जानकारी दूंगा। फर्स्ट पॉइंट है कि मॉड्यूलर किचन के अंदर आप किस किस मटेरियल के अंदर मॉड्यूलर किचन बनवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि मॉड्यूलर किचन के अंदर जो ड्रॉअर्स होते हैं वो कौन कौन सी क्वालिटी में आप मॉड्यूलर किचन के ड्रॉअर्स बनवा सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, मॉड्यूलर किचन के अंदर कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी के अंदर ड्रॉअर्स होने चाहिए, मिनिमम ड्रॉअर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम ड्रॉअर्स कितने होने चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए हम अपना फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, मॉड्यूलर किचन का मटेरियल क्या होना चाहिए। एक सबसे बेसिक मटेरियल आता है वुडन प्लाई। वुडन प्लाई जो हम यूज करते हैं इसको बोलते हैं BWP प्लाई, BWP ग्रेड की बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई। प्लाई की जो थिकनेस होती है 18 mm थिकनेस होती है प्लाई। प्लाई की पहचान होती है, प्लाई के अंदर ऐसे लेयर्स होती हैं, इसको बोलते हैं वुडन प्लाई। प्लाई अभी ये बिल्कुल रॉ है। प्लाई बोर्ड को हम फ्रंट से, बैक से, साइड से, ऑल साइड एज बेंड करके कंसील कर देते हैं। सारा काम हमारा ऑटोमेटिक मशीन से बन करके आता है, लैमिनेट प्रेसिंग एंड उसकी कटिंग एंड एज बेंडिंग, सारा काम हमारा ऑटोमेटिक मशीन फैक्ट्री फिनिश रेडी होकर के आता है। अभी ये जैसी आपको ये रॉ प्लाई दिखाई दे रही है, प्लाई बोर्ड को जो हमने फ्रंट से, बैक से, साइड से लैमिनेट कर देंगे तो ये रेडी होने के बाद ऐसा हो जाएगा, फ्रंट से भी लैमिनेट है, बैक से भी लैमिनेट है और साइड से फुली एज बैंड कंसील्ड हुआ हुआ है। इसके अंदर अब कहीं पे भी आपको दीमक, सीलेंट, टर्माइट, वुड में कुछ भी हार्म करने का वुड को कोई भी स्कोप नहीं मिलेगा। अगर अपने मन में वहम होता है कि प्लाई के अंदर दीमक सीलेंट की प्रॉब्लम आएगी, उस केस के अंदर दूसरा मटेरियल आता है, दूसरा बोर्ड आता है, इसको बोलते हैं HDHMR बोर्ड। HDHMR बोर्ड का मीन्स होता है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस। इसको कंपनी वाले बोरर, फंगस, वाटर, टर्माइट रेजिस्टेंट बोल करके मार्केट में सेल करते हैं। इसका जो ब्रांड है एक्शन कैसा ब्रांड का हम लोग HDHMR यूज करते हैं, इसको कंपनी वाले 7 ईयर की गारंटी देते हैं रॉ बोर्ड की। ये जो अभी आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में इसकी फिनिश है, ये रॉ। तो ये लेमिनेट होने के बाद भी, रेडी होने के बाद ऐसा लगता है फ्रंट से, बैक से हमने ऑल साइड एजमेंट करके कंसील्ड कर दिया। तो ये दो मटेरियल्स होते हैं अपने पास मॉड्यूलर किचन के अंदर, एक BWP ग्रेड की प्लाई एंड सेकंड HDHMR। इसके अलावा भी मॉड्यूलर किचन बनते हैं एल्यूमिनियम के अंदर बनते हैं, स्टेनलेस स्टील में भी बनते हैं। हमारी जो प्रेफरेंस रहती है मॉड्यूलर किचन के मटेरियल के अंदर, हमारे लिए दोनों ही बेस्ट है, BWP प्लाई भी और HDHMR बोर्ड भी। अगर आप दोनों में से कोई एक चूज करना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से प्लाई बेस्ट रहती है। रीजन यह है कि प्लाई जो बनती है सॉलिड वुड से बनती है और जो HDHMR होता है वुड के वेट से कंप्रेस करके बनाया जाता है। बस इसके अंदर एक एडवांटेज ये होता है कि इसको कंपनी वाले बोरर, फंगस, वाटर, टर्माइट रेजिस्टेंस बोल करके मार्केट में सेल करते हैं। जब हमने प्लाई बोर्ड को फ्रंट से, बैक से लेमिनेट कर दिया तो ये भी बोरर, फंगस, वाटर, टर्माइट रेजिस्टेंस हो जाती है, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप BWP ग्रेड की प्लाई हो या HDHMR हो, दोनों क्वालिटी में अगर आप किचन बनवाते हैं तो दोनों के हमारी तरफ से 10 ईयर की गारंटी मिलती है दोनों मटेरियल्स के लिए। थैंक यू। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं मॉड्यूलर किचन के अंदर कितने टाइप्स के ड्रॉअर्स आते हैं और उनकी कौन कौन सी क्वालिटी होती है। ड्रॉअर्स के अंदर सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है वायर बास्केट ड्रॉअर्स। ये जो वायर बास्केट्स के ड्रॉअर्स होते हैं ये नॉर्मल टेलीस्कोपिक वाले चैनल्स पर चलते हैं। इन चैनल्स की वेट होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। इस वाले ड्रॉअर्स के अंदर आप 6 से 7 किलो तक का वेट डाल सकते हैं। ओवर टाइम वेट डालते डालते इसकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है, झूलने लगता है। आज के टाइम में टोटली आउटडेटेड हो गए हैं मॉड्यूलर किचन के अंदर। लोग आज भी इसको यूज कर रहे हैं लेकिन मॉड्यूलर किचन के अंदर हमारी इसके अंदर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती और इसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन के ड्रॉअर्स आते हैं स्टेनलेस स्टील पाइप बास्केट ड्रॉअर्स। इससे पहले जो हमने देखी थी वायर बास्केट ड्रॉअर, ये उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अंदर जो चैनल चलते हैं टेलीस्कोपिक वाले चैनल्स भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पे लगा रखे हैं इसको बोलते हैं क्वाड्रो सॉफ्ट क्लोज चैनल। इस वाली वायर बास्केट का ड्रॉबैक ये होता है, इसका जो बेस होता है ACP शीट का होता है, एल्यूमिनियम प्लास्टिक कॉम्पोजिट। ओवर टाइम आप इसको ओवरवेट करते रहेंगे तो इसका बेस निकल करके टूट जाता है। ये वायर बास्केट का ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। थर्ड ऑप्शन ड्रॉअर का आता है इनोटेक ड्रॉअर।
ये जो आप चैनल देख रहे हैं इसको इनोटेक बोलते हैं, बहुत से लोग इसको सॉफ्ट फ्लो चैनल भी बोलते हैं, टेंडम बॉक्स से भी जाना जाता है। ये जो चैनल होता है ये सॉफ्ट फ्लोस फुली हाइड्रोलिक हैवी ड्यूटी चैनल होता है। इसका जो बेस होता है वुड का प्लाई का बनता है, इसके अंदर आप 30-40 kg तक का वेट डाल सकते हैं। ये सॉफ्ट फ्लोस हाइड्रोलिक रहेगा, हल्के से पुश करेंगे सॉफ्ट फ्लोस अंदर जाएगा। अभी आपने 3 टाइप्स के ड्रॉर्स देखे, वायर बास्केट ड्रॉर्स, स्टेनलेस स्टील पाइप बास्केट ड्रॉर्स, इनोटेक ड्रॉर्स। हमारी जो प्रेफरेंस रहती है 99% मॉड्यूलर किचन वाले जितने भी होते हैं सब इनोटेक ड्रॉर्स लगाते हैं। इनोटेक ड्रॉर्स के अंदर भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं, इंडियन ब्रांड भी आते हैं, इम्पोर्टेड ब्रांड भी आते हैं और वर्ल्ड वाइड चलने वाले ब्रांड जैसे कि हेफले हो गया, हैटिक हो गया, ये सारे ब्रांड भी चलते हैं। आप ब्रांड के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी ड्रॉर्स के हिसाब से किचन का बजट वेरी करता है। जो भी आपके किचन का साइज होगा साइज के हिसाब से बजट आता है, और जो भी आप किचन के अंदर हार्डवेयर फिटिंग जैसे मैंने आपको दिखाई वायर बास्केट, स्टेनलेस स्टील पाइप बास्केट ड्रॉर्स, इनोटेक, इनोटेक के अंदर भी इम्पोर्टेड ब्रांड आते हैं, इंडियन ब्रांड आते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं आपके किचन का साइज और जो भी आप ब्रांड यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से एस्टिमेट कॉस्टिंग बन करके आती है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। मैं आपको थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि अपने मॉड्यूलर किचन के अंदर कितने नंबर ऑफ ड्रॉर्स होने चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, जिसमें अपनी बेसिक स्टोरेज की नीड पर्पस सॉल्व हो सकता है। मॉड्यूलर किचन के अंदर 7 नंबर ऑफ ड्रॉर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर ऑफ ड्रॉर्स मिनिमम अपने किचन के अंदर होने ही चाहिए। वो कौन कौन से 7 ड्रॉर्स होते हैं अब मैं आपको उसके एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जहाँ अपनी चिमनी आती है, चिमनी के नीचे सेंटर में एक ड्रॉर बनता है फॉर कटलरी सेक्शन। इसके अंदर आप नाइफ स्पूंस वगैरह आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके नीचे वाले ड्रॉर में बाउल्स, कप सॉसर्स वगैरह आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर स्टोरेज बना सकते हैं। एंड इसके नीचे वाले ड्रॉर्स में कुछ भी फ्राई पैन, कढ़ाई वगैरह, बड़े यूटेंसिल्स वगैरह आपने इसके अंदर स्टोर कर देने हैं। एंड कटलरी के सेक्शन के लेफ्ट साइड में 2 हाफ आप इक्वल ड्रॉर्स बनते हैं। इसके अंदर प्लेट्स के सेपरेटर्स आते हैं, इसके अंदर आप अपने हिसाब से प्लेट्स एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अगेन हाफ ड्रॉर्स बिग साइज का नीचे है, इसके अंदर आप कोई भी आप बड़े यूटेंसिल्स वगैरह आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड कटलरी ड्रॉर्स के राइट साइड में एक छोटा वाला ड्रॉर बनता है फॉर स्पाइस रैक, बेलन चकला वगैरह आप कुछ भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड ये जो सबसे बड़ा वाला बिग ड्रॉर है इसको बोलते हैं ग्रेन ट्रॉली। इसके अंदर आप आटा, दाल, चावल के ड्रम्स, बॉक्सेस वगैरह आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर आप 35-40 kg तक का वेट डाल सकते हैं। तो ये 7 ड्रॉर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किचन के अंदर होने ही चाहिए। अगर अपने पास स्पेस ज़्यादा है तो 7 के 8, 9, 10 ड्रॉर्स भी हो सकते हैं। आई होप कि मैंने जो जो आपको मॉड्यूलर किचन के बारे में पॉइंट्स क्लियर करे हैं, मटेरियल के बारे में, टाइप ऑफ ड्रॉर्स के बारे में, नंबर ऑफ ड्रॉर्स के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब्स के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए। और आपको अगर अपने घर पर मॉड्यूलर किचन या वार्डरोब बनवाना है तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अपना लेआउट प्लान, डायमेंशंस वगैरह आप हमारे को शेयर कर दीजिएगा, हम उसका बेस्ट कोट बना करके आपके नंबर पे आपको मेल कर देंगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा। बेस्ट टू बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।